Assalamualaikum, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक बटर क्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मल्टीपर्पज़ काम करेगी तो सिल्की स्मूथ होगी grain फ्री होगी और आप हर तरह का डार्क कलर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और ये राइटिंग के लिए आपने किसी भी तरह का केक बनाना हो उस पर राइटिंग करनी हो हार्ट्स बनाने हो आपने कुछ भी लिखना हो उसके लिए ए वन रेसिपी है और आप इसको एक महीना सेव भी कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिसमिल्ल रन रही यहाँ पर मैंने ले ली है आइसिंग शुगर और बॉइलिंग वाटर जो खोलता हुआ गर्म पानी

पहले कम डालना है देख ली आप एक लई सी बन जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगी ये लिक्विड की तरह रहेगी क्योंकि जब ये ठंडा करने के लिए हम पंद्रह मिनट के लिए इसे रखेंगे ना स्टे देंगे तो क्या होगा ये ऑटोमेटिकली थोड़ी थिक हो जाएगी और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं ऐड कर रही करी वनीला पाउडर अगर आप लोग वनीला ऐसे डालना चाहें तो इसी स्टेज पे ऐड कर लीजिएगा ताकि इसी के अंदर खुशबू आ जाए हमारा जो बटर है ना वो मजीद सॉफ्ट ना हो सर होते ना कि हमें जो है ना कस्टमर इतना पे नहीं कर रहे होते कि हम पल्स वगैरह उस पर लगाएं तो मैं आपको पल्स लगाने का तरीका भी बता दूंगी ना कि आप लोग पल्स वाला लुक कैसे दे सकते हैं स्टेबल रहेंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे अब यहाँ पर मैंने अनसॉल्टेड बटर ले लिया है आप किसी भी अच्छी कंपनी का अनसॉल्ट बटर ले सकते हैं ठीक है और जितना अच्छी क्वालिटी का आप लोग बटर यूज़ करेंगे थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा तो चलेगा उतनी अच्छी आपकी बटर की चीज़ें बनती हैं हमेशा ये बात याद रखें जितना लोकल लेंगे आप उतना टेस्ट और उसके अंदर पानी कॉन्टेंट ज़्यादा होता है तो आप कोशिश करेंगे ना आप अच्छी क्वालिटी का बटर लें इसको हम लोगों ने बीट करना और ये बीट कितना करना है तकरीबन दो मिनट दो मिनट आपने इसको आधा मिनट लो स्पीड फिर आधा मिनट मीडियम और फिर पूरा एक मिनट आप फुल स्पीड पर इसको जो है ना बीट करेंगे ठीक है आप जितनी देर में पंद्रह मिनट हो गए थे पंद्रह मिनट जो है ना बाद मैंने इसको निकाला और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी मुझे और भी ऑर्डर के केक्स बनाने थे तो बस मैंने तकरीबन जो है ना इसको मैंने रखा है कोई आठ को मिनट होंगे तो पंद्रह मिनट तो ज़रूर मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ पंद्रह मिनट ज़रूर और फ्रीजर में रख देंगे तो जल्दी काम हो जाएगा ठीक है फिर आपने क्या करना है क्योंकि अभी ये हल्के से लिक्विड है ना और ज़्यादा टाइम मिलेगा ना आप इसको चाहे आधा घंटा रख दो और रखकर भूल गए हो घंटा भी भूल गए हो तो कोई इशू नहीं है ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए ठीक है अब मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और इसको जो है ना हम बटर क्रीम में ऐड करते जाएंगे अच्छा ये रेसिपी ना मैंने उस इस चीज़ के लिए रखी हुई है मैं ना इसको बनाकर और इसको क्या करती हूँ छोटे छोटे जो स्मॉल पाइपिंग बैग्स होते हैं ना उसके अंदर बनाकर अलग अलग जो है ना वो रख लेती हूँ मुझे जिस तरह की पाइपिंग में कलर चाहिए होता है ना राइटिंग में कोई हार्ट बनाने हैं किसी तरह का भी केक है कोई करैक्टर बनाना है कुछ लिखना है मैं उस पाइपिंग बैग के अंदर ना मतलब मैंने तकरीबन थ्री टेबल स्पून तक एक में पाइपिंग बैग में रख लेती हूँ डालकर और इसको सबको एक ही बॉक्स में डाल के ना पाइपिंग बैग को मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ तो निकालती हूँ उसके अंदर कलर ऐड करती हूँ और उससे राइटिंग कर लेती हूँ ठीक है ये बहुत एक आसान है आपको बार बार बनाने की मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है और आप इसको मैंने इसको तीन महीने भी रखा था ये बिल्कुल बटर क्रीम खराब नहीं हुई थी एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे और फ्रीजर में रखेंगे इसको ठीक है तो आप लोग इससे हर तरह की राइटिंग वगैरह कर सकते हैं बहुत स्टेबल होती है मैंने जो इससे जो है ना मैं आपको बट चॉकलेट क्रीम भी बनाना बता देती हूँ जो अक्सर जो है ना मेरे जो मोइस्ट केक होते हैं ना उनके अंदर अगर हमें बटर चॉकलेट क्रीम डालनी हो ना तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ सारी को नहीं लगाती मैं बस जितना जैसे अभी मैं यूज़ कर रही हूँ छोटा सा बेंटो बनाना था मुझे तो बस मैंने उतना लगाया हमारी ये बटर क्रीम लगाई है ठीक है स्टेबल अलहमद लाला है और यहाँ पर जो है ना मैंने चॉकलेट गनाश जो बना के रखी हुई थी आप मिल्क से बना रहे हो आप सिंपल बना रहे हो आप ऑयल गली बना रहे हो गनाश जो भी आप बनाते हो वो आपने थोड़ी सी पोर कर देनी तो हमारी चॉकलेट बटर क्रीम बन जाएगी ठीक है इसके ऊपर मैं दूसरे वाला जो है ना वो आ, केक रखूँगी और ये इतना मोइस्ट होता है विदाउट बीटर एक्टिवीटर बनता है और ये माशाला कलर देखे कितना खूबसूरत है और ये खाने में बहुत मोइस्ट होता है बहुत ज्यादा मेरे कस्टमर का फेवरेट है अब इसी में मैंने देखे हैं थोड़ा सा डार्क कलर लाना था तो मैंने इसके अंदर रेड और पिंक और ब्राउन थोड़ा सा और वन ड्रॉप ब्लैक डाल के ना इसका बहुत अच्छा सा कलर बना लिया अच्छा तो आप लोग इस तरह करके ना आराम से जो भी बटर क्रीम में कलर हर तरह के बन जाते हैं खास तौर तो पे बनाने होते हैं, नाम लिखना होता है हैप्पी बर्थडे लिखना होता है ना तो उन सब के लिए आप इसको बना के आराम से कोई टेंशन नहीं रख सकते हो अच्छा मैंने तो आपको वैसे बताया ना ये देखो पर्स की तरह ना आप लोग इसको डॉट डॉट लगाते रहोगे बड़ा डॉट छोटा छोटा डॉट तो ये पर्ल्स की तरह बन जाएंगे आप लोग इसको जो आजकल फ्लावर बन रहे हैं ना बेंटो पे या बड़े केक्स पे आप लोग इससे वो बनाओ बहुत अच्छे बनते हैं कप केक्स पे फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं बट अच्छा लेना है आप लोगों को रेसिपी को सेम फॉलो करना है आपने तो ये देखे कितनी सिल्की एंड स्मूथ और ये स्टेबल स्टेबल रहेगी अमेरिकन बटर क्रीम होती है स्टेबल ही रहेगी ठीक है बस बटर अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है और जो बताया उस रेसिपी को आपने फॉलो करना है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये बनकर रेडी हो गई है तो आप लोग इसको जिस तरह चाहे यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट बटर क्रीम बना लो आप लोग इस तरह से बना लो जिस तरह चाहे आप लोग बना सकते हो छोटी रेसिपी दी और इस रेसिपी को प्रॉपर से आप लोग हाफ करके पहले थोड़ी सी बना के चेक कर लीजिएगा अल्लाह हाफिज़